महादेव, जय श्री महाकाल, जय मा तारा। मौत से बड़ा सच कुछ नहीं, फिर भी मनुष्य मृत्युंजय एवं काल विजयी हो सकता है। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तंत्र मंत्र का जबरदस्त तोड़ क्या है, क्या है तंत्र मंत्र का तोड़, कैसे तंत्र मंत्र टूटेगा, किया कराया को वापस करने का उपाय क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में नए आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल घंटी को दबा करके जरूर प्रेस कर दे, ताकि सर्वप्रथम आपके बीच में मेरे वीडियो पहुंच सके। तो आइए, आज की मेरा शीर्षक है कि तंत्र मंत्र का जबरदस्त तोड़। सर्वप्रथम आप कैसे जानिएगा कि किसी पर तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी पर वशीकरण कर दिया है, तो इसको पहले आप सबसे पहले जान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी अगर तंत्र मंत्र कर देंगे तो व्यक्ति सर्वप्रथम वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा और किसी न किसी बहकाव में हमेशा आकर के घर में अशांति फैलाएगा, झगड़ा करेगा और हर व्यक्ति के साथ में उनका नफरत की भावना होने लगता है। साथ साथ क्या होगा कि उनका नींद में नहीं आना, नींद को अकड़न में आ जाना, पूरे शरीर को ऐठना, नाखून में पीला पीलापन हो जाना या आँख जो है वो ठहर जाएगा, एक ही जगह में ठहर जाएगा और उसके साथ साथ में क्या होता है, आँख में पीलापन आ जाएगा और साथ साथ में किसी बत्ती किसी की लाइट की तरफ जो है वो देख नहीं पाएगा। तो इसी आपको ये तंत्र मंत्र का जो है किसी पर कर देने पर ये इसका लक्षण होता है। अगर ऐसा लक्षण अगर किसी व्यक्ति पर पाया जाता है तो समझ लीजिए उसके ऊपर में कोई काला जादू कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, इसको आप मान के चलिए। लेकिन ये टूटेगा कैसे, इसकी तोड़ क्या है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसका तोड़ क्या है और ये रोगी को आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप शनिवार के दिन में या अमावस्या के दिन में रात के समय में 300 ग्राम काले उड़द का आटा, जिसको साबुत भी बोला गया है, तो काले उड़द का आटा 300 ग्राम लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चरोठा मिला दीजिएगा, यानी कि चावल का आटा थोड़ा सा मिला करके एक ठो रोटी बनाइएगा, एक ही रोटी, और वो रोटी जो है एक तरफ कच्चा रहेगा एक तरफ पका हुआ रहेगा। उसके पास उस रोटी में आप सरसों तेल थोड़ा सा लगा दीजिएगा और सरसों तेल लगाने के बाद में उसमें सात सिंदूर का टीका उसमें मार दीजिएगा। उसके बाद उस रोगी को जमीन में या बेड पर उसको लेटा दीजिएगा, लेटाने के बाद में सर से पैर तक उस रोटी को सात बार उतारना है, उतार करके उसको एक प्लेट में या एक पत्तल में आप उसको रख लीजिएगा। उसके बाद तीन पीस हरे कागजी नींबू लीजिएगा और तीनों कागजी नींबू को सात सात बार रोगी का माथा से पैर तक उतार करके और उसको चाकू से दो टुकड़ा काट करके उस रोटी के ऊपर में रख दीजिएगा। फिर सात प्रकार का गोटा फल लीजिएगा और उस सातों फल को एक एक बार सात सात बार करके उतार करके उस रोटी के ऊपर रखना है और सात प्रकार का मीठा इसी को भी एक एक सात सात बार उतार करके उस रोटी के ऊपर में रख दीजिएगा। और तीन आप कील लीजिएगा, लोहे का कील, दाएं बाएं कील, और उस कील को एक एक कील को माथा से पैर तक सात बार उतार करके आप जो है उस रोटी पर रख दीजिएगा। बस इतना करने के बाद में रात को 10 बजे के बाद किसी बड़ा पेड़ के नीचे या किसी बड़े वृक्ष के नीचे या कोई नदी में या कोई नहर में या कोई समुन्दर में जाकर के ये सारे सामान को जो है उसको प्रवाह कर दीजिएगा। इतना कर देने से ही आपका तंत्र मंत्र का तोड़ भी हो जाएगा और रोगी आपका पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और ये सब काम करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ में लाल स्याही से किसी भी कागज़ के टुकड़े में ओम क्रीम मंत्र का जाओ 108 बार जाप करके उस कागज में लिख करके उसको ताबीज में डाल करके उस रोगी को अगर पहना देने से ही आपको तंत्र मंत्र से उसके मुक्ति मिल जाएगी और रोग से भी उनको समाधान मिल जाएगा। आज मैं इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मा तारा।